तो हम कर रहे हैं रियलिटी टेस्ट। नोटबंदी के बाद किस तरह से महंगाई कम हुई है, किस तरह से आपकी थाली सस्ती हुई है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। कोलकाता का सबसे पहले रुख करते हैं, पूजा मेहता मौजूद है सब्जी मंडी में। पूजा बताइए, कितने कम हुए हैं सब्जियों के दाम और क्या वजह बता रहे दुकानदार इसकी? नंदिता, आज हम आ पहुंचे हैं कोलकाता के भवानीपुर सब्जी मंडी में। यहाँ पर हमने जब सब्जी वालों से बात की तो उनका ये कहना था करीब 50% जो है यहाँ पर दाम कम हो चुके हैं। आलू जहाँ पर एक महीने पहले नोटबंदी के फैसले के पहले जहाँ पर वो 20 रुपये प्रति किलो बिकता था, अभी वो 10 से 12 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। टमाटर जो है, प्याज है, जो रोजमंदा जिंदगी में जो इस्तेमाल होती है ऐसी सब्जियां, शिमला मिर्च है, वो भी जहाँ पर 60 रुपये से लेकर उसके बाद वो 30 रुपये अभी प्रति किलो अभी बिक रहा है एक महीने के कंपैरिजन में। तो करीब इनका ये कहना है कि 50% जो है अभी दाम कम हो चुके हैं। 50% दाम कम हुए हैं। दिल्ली से यशस्विका हमारे साथ हैं। यशस्विका, दिल्ली में तो 50% से भी कम हुए हैं। 20 रुपए किलो पहले आलू मिल रहा था और अब 8 पे पहुंच गया है दाम। नोटबंदी का ये असर है जो धीरे धीरे सर अब दिख रहा है? जी बिल्कुल नंदिता, की जो नोटबंदी की वजह से सब्जियों और फलों के दाम बहुत ज़्यादा गिरे हैं। हमारे साथ ये जो लोग हैं, ये जो है फलों के विक्रेता हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि दाम कितने गिरे हैं और उसका क्या कुछ असर हुआ है। आप बताइए, आप कौन से फल बेचते हैं? ये फ्रूट्स का काम है हमारा, 70% काम खत्म हो चुका है। अभी जो दामों में कितनी कमी आई है, पहले कितने थे? पहले सेब की बात करें, पपीते की बात करें, पहले पपीता था 30 रुपए और अभी 10 रुपए किलो मिल रहा है। उससे नोटबंदी की वजह है सारी है। अच्छा, लेकिन उससे क्या वो जो फल है वो बिक रहा है, क्या खरीदारी हो? नहीं नहीं, खरीदारी बहुत कम हो चुकी है, 30% काम बचा है बाकी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत? इसकी वजह नोटबंदी है। क्या वजह? नोटबंदी है, लोग खरीदने के लिए नहीं आ रहे हैं, कैश नहीं, लोगों में कैश नहीं है। आपको बताइए, आपको दिक्कत हो रही है नोटबंदी की? ये 8 बजे मंडी खत्म हो जाए, पहले एक गाड़ी आ रही थी, 1-2 घंटे के अंदर निकल जा रही थी और आप जी शाम तक खड़ी रहे, दूसरे दिन भी गए। आपने सुना की जिस तरह से जो नोटबंदी की वजह से दाम तो आधे से भी ज्यादा कम हो चुके हैं, लेकिन दिक्कत ये है की लोगों के पास पैसे नहीं है तो मंडी में तो खरीदने के लिए ही नहीं आ रहे हैं लोग। सेल्स पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। सेल पे असर तो पड़ा है, लेकिन इससे भी नहीं मुकरा जा सकता है कि आपकी सेहत भी बना रही है नोटबंदी, क्योंकि अब सस्ते हो गए हैं फल और सब्जियां। आर्थिक राजधानी मुंबई का रुख करते हैं, नित्यानंद शर्मा वहां पर मौजूद है। नित्यानंद, वहां क्या हालात है? शुरुआत में जरूर दिक्कतें हुई होंगी क्योंकि पैसे नहीं थे लोगों के पास देने के लिए, कैश नहीं था, लेकिन अब जब दाम कम हो रहे हैं तो सहूलियत हो रही है? जी बिल्कुल, यहाँ जो इस वक्त हम दादर सब्जी मंडी में हैं, यहाँ सुबह आकर हमने लोगों से बात की तो लोगों का साफ तौर पर कहना था कि उन्हें पहले थोड़ी दिक्कतें हो रही थी, लेकिन अब स्थिति जो है वो लगभग सामान्य होने के कगार पर है। और जिस तरीके से देखा गया है कि सब्जियों के जो दाम घटे हैं, आधे से भी कम दाम हुए हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ इस बार बारिश अच्छी हुई है, फसल की पैदावार अच्छी हुई है, और जिस तरीके से देखा गया है कि ये 8 नवंबर को जो ये फैसला लिया गया उसके बाद जो है लगातार जो वस्तुओं की जो कीमत है वो घट रही है, तो ऐसे में लोग खुश दिखाई दे रहे हैं। कुछ हाउसवाइफ जो यहाँ सब्जी खरीदने आई थी सुबह, तो उनका ये साफ तौर पर कहना था कि पहले घर के बजट को मैनेज करना मुश्किल होता था क्योंकि महंगाई बढ़ रही थी, अब घर के बजट को मैनेज करना आसान हो रहा है। सब्जियों के लिए वो जो महीने में तकरीबन 2.5 से 3 हज़ार जो खर्चे करती थी, तो अब वो 1000 से 1.5 हज़ार में हो जा रहा है। तो यानी कुल मिलाकर देखें तो उनका ये कहना है कि नोटबंदी के चलते पहले थोड़ी दिक्कतें हो रही थी, लेकिन अब स्थिति लगभग सामान्य हो रही है और खरीदारी में जो उन्हें पहले अधिक पैसा खर्चा करना पड़ता था, अब कम खर्चा, कोई भी बदलाव होता है उसका असर धीरे धीरे दिखता है और अब दिख रहा है क्योंकि आपकी थाली सस्ती हो रही है। हैदराबाद से प्रसाद भोसेकर हमारे साथ है। प्रसाद, जरा वहां से बताइए लोगों की किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, अब जब उनके पास कैश भी अवेलेबल है तो क्या सस्ते दाम में सब्जी और फल का वो आनंद ले रहे हैं? बिल्कुल, इस वक्त हम मेहदीपट्टनम के जो किसान मंडी है वहाँ पर है और एक हमारे साथ कपल है, आइए उनसे जानते हैं। जो नोटबंदी हुआ था 8 तारीख के दिन, जो नवंबर 8 तारीख के दिन, तब सब्जियों में क्या दाम था और अब आपको किस प्रकार से दाम लग रहे हैं? हम लोग तो फॉरेन से आए हुए हैं, हम लोग को तो कुछ आइडिया नहीं है क्या रेट था क्या है, पर ये नोटबंदी की वजह से काफ़ी तकलीफ हो रही है। हमारे कोई ATM में पैसे नहीं मिल रहे, हर जगह लाइन में ठहरना पड़ रहा, इवन आंध्रा बैंक में भी हमारे वाइफ का अकाउंट है उससे भी कैश लेना है तो लाइन में ठहरना पड़ रहा। सब्जियों के अगर दाम देखा जाए तो पहले क्या कम थे, पहले ज़्यादा थे और अब कम नज़र आ रहे हैं आपको? अब और ज़्यादा रेट से नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पहले जो आपको तरकारी मिलती थी 20 रुपए किलो, अब 40 रुपए किलो मिल रही, तो मेरे हिसाब से तो रेट ज़्यादा हो गए।
तो यहाँ पर जो है इनका कहना अलग है, लेकिन एक बात साफ है कि मंडी में सब्जियाँ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और लोगों को सिर्फ जो चेंज होता है, चिल्लर पैसे होते हैं, उसकी तकलीफ हो रही है, क्योंकि बारिश अच्छी होने की वजह से, फसल की पैदावार अच्छी होने की वजह से ज़रूर यहाँ पे मंडी में जो सब्जियाँ हैं वो काफ़ी आई हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, टमाटर जो कि एक महीने पहले 16 थे, आज 8 है, और जो आलू का था वो 16 रुपये है, जो पहले कई जगहों पर कैश की दिक्कत अभी भी है, लेकिन कई जगह पर अब आसानी भी हो रही है। 40 दिन हुए हैं, प्रधानमंत्री ने 50 दिन का वक्त मांगा था, आने वाले दिनों में और सहूलियत होने वाली है। पटना का रुख करते हैं, देखते हैं बिहार में किस तरह से अब असर पड़ा है नोटबंदी का, क्या वहां पर ब्रिजेश सस्ती हुई है फल और सब्जियां? बिल्कुल नंदिता, बहुत सस्ती हुई है और लोगों को इसका असर जो है आम लोगों की थाली पे पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये हम एक सब्जी मंडी के नजदीकी होटल है उसमें आप हैं, और आप देख सकते हैं कि एक थाली है, इसकी कीमत सिर्फ 30 रुपए है। पहले भी इसकी कीमत 30 रुपए ही थी, लेकिन जो वैरायटी है वो अलग थी। आपको चावल, अरहर का दाल, चोखा, भुजिया और आलू मटर टमाटर की सब्जी ये आपको मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए में। तो लोगों की थालियां सजी हैं सब्जियों के दाम कम होने से, और लोगों को उम्मीद भी है कि आगे अगर इस तरीके से सोचना नहीं पड़ा है, क्योंकि सब्जियां और फल भी सस्ते हो गए हैं।